top story. It's another shocking case of violence against Indian students in Australia. घटना ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न की है. हमले में छात्र बुरी तरह जख्मी हो गया. The attacks have been horrific. India's Prime Minister Manmohan Singh says he's appalled by the incident. Australia's government insists the attacks in Melbourne and Sydney are not racially motivated. जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं. In India, the issue burns on as headline news. Just before dawn this morning, a mass protest at one of Melbourne's iconic street corners itself turned violent. गुड मॉर्निंग. क्या तुमने उस स्टोरी पर काम करना शुरू कर दिया? मारिया, आज मेरी छुट्टी है. तो क्या हुआ जानता हूँ. देखो वो स्टोरी हमारे लिए बहुत जरूरी है. ये पहले पेज की कहानी है, समझी? पहला पेज? मारिया, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. You're kidding. I'm not. थर्ड पेज साइड कॉलम कैसा रहेगा? अब सोना बंद करो और जाके काम करो. मैं तुम्हें डिटेल्स भेज देता हूँ, उसे पढ़ लेना. ओके ओके. Damn it. ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है. ये रहा, मैं जा रही हूँ. मिस्टर शर्मा, मैं तो स्कूल न्यूज़पेपर की तरफ से हूँ. रीसेंट रेशियल अटैक के बारे में आपका क्या कहना? क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना? ऑस्ट्रेलिया एक रेसिस्ट कंट्री है. प्लीज बताइए. हमले पर हमला, एक के बाद एक. ऐसा लगता है हम इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है हमारी जाति की वजह से. क्या मैं गलत हूँ? तो क्या आप ऑस्ट्रेलियंस को रेसिस्ट कह रहे हैं? वेल, क्या मुझे चीख कर बोलना होगा? क्या आपको दिखती नहीं ये घटनाएं जो पिछले 4-5 महीनों से हो रही हैं? एक भी कदम उठाया नहीं गया, ना सरकार ना पुलिस के द्वारा. इंडियन छात्र सिर्फ पैसा बनाने का जरिया रह गए हैं. तो मिस्टर शर्मा, क्या मैं इसे बारे में कुछ आप इस कंट्री को रेसिस्ट मानते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ. ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इंडियन छात्र यहाँ आए, मेहनत करे, पैसे कमाए और काम करे. और मजे की बात, ये बोलते हैं हम इनका जॉब छीन रहे हैं. क्या कोई बताएगा कैसे? तो आपके हिसाब से क्या गवर्नमेंट को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? ये कोई एक्शन नहीं ले सकते, स्ट्रांग एक्शन तो रहने दीजिए. ओह जीज़, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते? I'm sorry. इतनी हैवी बुक से किसी की जान जा सकती है. Be careful. तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? PhD in microbiology. क्या तुम इंडिया से हो? Yeah. Okay, great. Actually, मैं भी रिसर्च में हूँ. इंडियन स्टूडेंट्स पर जो अटैक हुए हैं, तो मेरी मदद कर सकते हो इसे समझने में? देखिए, मुझे देरी हो रही है. कल कैसा रहेगा? हम इस कैफे में मिल सकते हैं, यही पास में ही है. देखिए, मुझे नहीं पता. प्लीज, तुम्हारी हेल्प से मैं पूरा कर सकूं शायद. लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है. ऑलराइट, फिर मिलते हैं. ठीक है. और हाँ, वो मेरा नंबर है. सी या. सबको खबर पहुंच चुकी है, अब टीवी और मीडिया वाले भी उसको बहुत बड़ा न्यूज बनाना चाहते हैं. हाय, थैंक्स फॉर योर टाइम मिस्टर शर्मा. वेलकम वेलकम वेलकम. आखिरकार ऑस्ट्रेलियन मीडिया को हमारे लिए टाइम मिल ही गया. आपके लिए हमेशा टाइम है मिस्टर शर्मा. ओ अच्छा, ऐसा है? अटैक्स बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा आप उस विषय में. पुलिस, गवर्नमेंट और मीडिया सबके संबंधे बनकर बैठे हुए हैं. हर दूसरे दिन हमें खबर मिलती है कि किसी इंडियन पे फिर से अटैक हुआ. जो जयदीप के साथ हुआ वो पहला भारतीय हमला नहीं था. कल ये हो सकता है या फिर मैं. और इनके जैसे लोग फिर भी उसे रेसिज्म नहीं कहेंगे? ये एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है मिस्टर शर्मा. ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है. क्या तुम पागल हो? एक्सक्यूज, तुम उनमें से ही एक हो. ये इंडियन भी है क्या? तुम्हें सच्चाई नहीं दिखती हमारिया? क्या बुराई है मेहनती होने में? वो कहते हैं हम उनका जॉब छीन रहे हैं, पर सच तो ये है कि हम उनके लिए जॉब कर रहे हैं. वही इनविजिबल वो. ये बस उनके शोषण का एक तरीका है. क्या मतलब है तुम्हारा? वेल, इंडियंस यहाँ पढ़ाई के नाम पे खींचे चले आते हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है.
इनको अपने बड़े लोन चुकाने होते हैं और इसी का फायदा उठाकर उनसे काम करवाते हैं, कुछ पैसे देकर या फिर कुछ भी। बिल्कुल सही, ये असली मुद्दा है। मिस्टर शर्मा, मुझे भी कहानी के इसी पहलू पर काम करना है। ओ, देखो मारिया, अथॉरिटीज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जल्दी ही एक्शन लेना होगा। आई अग्री, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, पर एक मेरे कुछ सवाल हैं जिनके। रुकिए रुकिए। ओ, आई एम सॉरी मारिया, पर आज के लिए बस इतना ही। बाहर कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, विजय अगली मीटिंग का टाइम बता देगा। नो प्रॉब्लम मिस्टर शर्मा। समय देने के लिए धन्यवाद। आने के लिए शुक्रिया, मिलकर खुशी हुई। अच्छा था ना विजय, ये सही मौका है हमारी आवाज बाहर तक पहुंचाने का। ठीक है, अभी हम किससे मिल रहे हैं? यहाँ पे तो कोई नाम ही नहीं है। अब पत्रकार से सारी बातें नहीं कही जाती है विजय, इस बार हमारे हाथ बहुत बड़ी चाबी आ गई है। और कौन है वो? विपक्षी पार्टी का नेता मिस्टर मैकलम। हे, आखिर तुम आ ही गए। अरे हाँ, तुमने अपना नाम क्या बताया था? ओह सॉरी, मेरा नाम गिरिराज वानकर। गिरी। गिरी, राइट। सो मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तुम कुछ पियोगे? हाँ, एक कॉफी दूध के साथ और दो चम्मच चीनी। हाँ, तो कॉफी विद मिल्क एंड शुगर और मेरे लिए रेगुलर कैफे लाते। थैंक्स। थैंक यू। तो तुम माइक्रोबायोलॉजी में PhD कर रहे हो? यस। हाँ, यस। मेलबर्न से ही क्यों? इंडिया में मास्टर्स करने के बाद मैं वो काफी लकी था, मुझे यहाँ स्कॉलरशिप मिल गई। ओह स्कॉलरशिप, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत प्राउड होंगे, है ना? वो क्या करते हैं? वो दोनों टीचर थे, अब रिटायर्ड हैं। तुमसे आज मिलने की मेरी वजह है मेरी रिसर्च इंडियन स्टूडेंट्स पर हुए रीसेंट अटैक्स के बारे में, द ट्रूथ, मेरे न्यूज़पेपर के लिए। ओह हाँ, आपने बताया था। दैट्स राइट। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे साथ कभी कोई भेदभाव हुआ है? भेदभाव? हाँ, पूरी जिंदगी। मेरा नाम कांति है, कांति मंगल वनकर। वनकर का मतलब होता है कपड़ा बुनने वाला, बुनकर, जुहाला। मेरा कुल, मेरी जाति भारतीय समाज में पिछड़ी जातियों में से गिनी जाती है। हाँ, मैं भारतीय समाज आपको आपकी जाति के अनुसार अपनी जगह देती है और ये चलन प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक चलता आ रहा है। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव टुंडल से हूँ। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ने किसी तरह पढ़ाई पूरी की और सरकारी नौकरी में लग गए एक अध्यापक के रूप में। जब हमारे गांव टुंडल में शादी या धार्मिक सेलिब्रेशन होती है तब हम लोग सिर्फ गुलामी के काम आते हैं। अगर हम उस कायदे को तोड़ते हैं तो कठोर सजा दी जाती है। साल 1965 में मेरे पिता के साथ कुछ बहादुर लोगों ने मुझे हौसला दिया कि मैं अपनी आवाज उनके खिलाफ उठा सकूं और उस दिन से आज तक ये संघर्ष चलता आ रहा है। नमस्कार, आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा ने अहमदाबाद केंद्र से संगीत ना कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। आओ मंगल भगत, आओ भाई पीतांबर, कई हाबलू खरू सु आ रावणियो केवानु भूली गयो, आ लाकड़ा उगरावानु। मंगलदा, मौको छोड़ा है वो नहीं हो, आज मौको छ। पण भला माणा, हूं
તમે છગો પશો અને આ ટોયો છે પણ બીજા જોડે રહેશે ખરા એક કામ કરો હોજો બધાને ભેગા કરીએ અને વાત કરીએ પણ આ કાંતિને ખબર છે હા એ બરાબર કાંતિ અને એની વહુનો તો ખબર છે પણ એ તો હજુ ખુદીને હારથી આવ્યા નહીં ભાઈ છોકરા એકલા ઘેર મૂકીને આવ્યો છું એક કામ કરો તમારા મનાન કહો કે બધાને હાજે જઈને કહી આવે હા હું કહી દઉં છું મનાને લો તાર બે હો તાર હું જઉં મના એ મના અલે મન્યા જો જો તું એ તો બીડી લેવા ગયો છે બાપા હું કામ બુંબરાડા કરો છો બોલો હું કામ છે હું પાણી ભરીને આવું છું અલી દઈ રાહેલ મંજુલા વિમુ હેડો પાણી ભરવા જોઈએ છે ભરવા દે છે કે નહીં બોન પાણી આપશો ચમ તમારા બાપનો કૂવો હે તે પાણી આપીએ તમારો કૂવો નહીં પણ બોન ફૂકાઈ ગયો છે બે દાડાથી પાણી નહીં છેટી રે એક તો ઘેર છોકરો રોતો મૂકીને આવ્યો આ રણીઓના પાણી ની પડીશ આપો મનસાબા પાણી આપો અલી અંદરી સે કહું દેખત ન આ સોટા મારી કોર પડે હે અને સાંભળી અરે કોણ લુગડા ધોવા પડશે આ ભડાઈ કાઢી તને ને આ લુગડા ને એક તો એમને પાણી આપો ને પાછું એમનું મેલું આપણા લુગડા પર લો અલી હું તો કહેશું સરપંચ મોટા ને કે અમને તો ગોમ ની બહાર કાઢો બહુ થયું પણ ચંપા બોન બે દાડા ની તો વાત છે પછી અમ અમાર કુવે થી પાણી ભરી લેશું આજે મહેરબાની કરીને થોડું આપો નહીં તો શેક સેમાડે જવું પડશે સેમાડે જાવ કે મહાણે એમાં અમે કરીએ મોટી રોણીઓ બની નાઈ છે તે એક તો અબડાઈ મારી મે તો કેસો દરબાર ને હે પણ મને નહીં મળે પૈપસા કેસવ ટોયા દાના સગા આ તમે સાંભળ્યું હોય કે ના સાંભળ્યું હોય પણ આ રાવળિયો આત્મારામ લાકડા ઉઘરાવવાનું કહેવાનું ભૂલી ગયો છે શું વાત કરો છો શું કહે છો ભગત હા ભાઈ એના માટે તો આપણે બધા ભેગા થયા છીએ અમારું કેવું એમ છે કે જો આ જ મોકો છે પણ શાનો મોકો જો આપણે બધા ભેગા થઈને આનો મક્કમતાથી વિરોધ કરીએ તો આ ગામ માંથી આ વેઠ ની બબલ મટી જાય એમ કેમ મટી જાય ભગત મારા હારા એ માનશે લાકડા તો એ ઉઘરાવીને જ જમશે નહીં તો ખોટી હેરાન ગતિ કરશે ભાઈ દાના આપણા ઘરોમાં ચૂલો સળગાવવાના લાકડા નથી ત્યાં એમના હવન કરવાના લાકડા કઈ રીતે આપવા એ નહીં માને તો તમ ના માને માનવું તો એમના બાપને પણ પડી જશે દાણા તો પછી એનો કોઈ ઉપાય ખરો ભાઈ એનો તો ઉપાય તો છે પણ જો આપણે બધા ભેગા થઈને એનો મક્કમતાથી વિરોધ કરીએ તો એનો કઈક રસ્તો નીકળે ભાઈ વિચાર તો સારો છે
પણ આ ગોમધણી કહેવાય, એમને જો ખબર પડે તો એ તો કેળો ભાગી નાખશે. સાચી વાત, આપણા બાપ દાદાઓએ વર્ષોથી પોતાની કેળો ભંગાવી છે, હવે આ વખતે આપણે આપણી કેળો ભંગાવીએ. ભાઈ તારી વાત હાવ સાચી, આ તો ગાળ વગરના ઢોરવા કહેવાય, કઈ પણ કરી શકે. આ તો આપણને વર્ષોથી ખબર છે, શું આપણે એના ગુલામ થઈને જ રહેવાનું? તમારી વાત સાચી છે, પણ હવે કાયદા બદલાઈ ગયા છે. મને તો બીક લાગે છે ભાઈ કાંતિ, તમે રહ્યા સરકારી નોકરી વાળા ભાઈ, અમારે તો એમના ખેતરોમાં ને વાડીઓમાં મજૂરી જ કરવાની ને. ભાઈ ભિક્ષાની લાગે, આ મજૂરી તો આપણે બધા કરવાની છે, પણ એક વખત હામે થઈશું તો આ વેટની બબાલ જતી રહેશે. વાત સાચી, તો બોલો બધાનો શું વિચાર છે? કાંતિ અમે તમારા પર છોડ્યું, તમે જેમ કહો એમ. તો પછી આવતીકાલે કોઈએ લાકડા ઉઘરા જવાનું નથી, બોલો નક્કી? નક્કી. દુકાન હમ 5 મિનિટ મેં બંધ કરેંગે. ઓ ધેટ્સ ફાઇન, હમ બસ નિકલને હી વાલે થે. થેન્ક્સ. સુનો, જો તુમ કહે રહે હો કે સચ મે એસા હોતા હૈ, કહીં તુમ બડા ચડા કે તો નહીં બોલ રહે? હમે કલ ફિર સે મિલના પડેગા પૂરી કહાની જાનને કે લિયે. બસ જૈસા હૈ વૈસા બતા રહા હું. હો સકતા હૈ કે મુજે ઇન્ડિયા જાના પડે. ઇન્ડિયા જાના કિસ લિયે? વેલ, અબ તો મુજે સારી સચ્ચાઈ જાનની હૈ. દેખો, મુજે લગતા હૈ તુમ્હેં યહાં રહેકર અપને પૈસે બચાને ચાહિએ, યે સિર્ફ મેરી રાય હૈ. તુમ્હારી રાય હા, પર મેં સચ કી તલાશ મેં હું. તો ગલત મત સમજના, ઇન્ડિયા મેં લોગ અપને ગુનાહો કે બારે મેં એક દૂસરે કો ભી નહીં બતાતે, ભૂલ જાઓ કે વો કિસી ઓર કો બતાએંગે. શાયદ શાયદ તુમ્હેં પૂરી જિંદગી લગ સકતે યહાં કમ સે કમ 20 સાલ સચ કે કરીબ પહોંચને મેં. ઓકે, શાયદ મેં ઇન્ડિયા સે સ્ટોરીઝ રિપોર્ટ કર સકું, વહાં ઇતના આઈટી સપોર્ટ તો હોગા હી જો મુજે ઓનલાઇન રખ સકે. અચ્છા મજાક હૈ, તુમ અપને સેન્સ ઓફ હ્યુમર કો યુઝ કર સકતી હો ઇન્ડિયા મેં. અબ ક્યોંકિ હમારી જાન પહેચાન હોઈ ગઈ હૈ. કિતના હુઆ? ઇટ્સ ઓકે. મગર આપને, હમ કલ ફિર મિલે કહાની કી તહ તક જાને કે લિયે. હમ દેખો દેખો, મેં મેં કોશિશ કરૂંગા, લેકિન ઓર ભી કામ હૈ મુજે. આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ ઇટ. ધન્યવાદ. તો કલ મિલ રહે હૈ ના? જી ઠીક હૈ. ઓકે પક્કા. સાઉન્ડ્સ ગુડ. मिस्टर मैकेलम, आपके मेहमान. वेलकम बॉयज. बाहर मौसम कैसा है? अभी भी गर्मी है? दरअसल इंडिया से भी ज्यादा गर्म. ओ जस्ट एज यू नो, आज हम सुर्खियों में रहेंगे. वेल, हम यही सुनना चाहते हैं. आशा करता हूँ ये विपक्षियों को चौंका देगा, हम इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं. हमें हमारी मल्टीकल्चरल सोसाइटी को बचाना होगा. दरअसल हम इंडियन मीडिया के टच में हैं, और आप जानते हैं वहां इस मुद्दे को उछाला जा रहा है. ये हुई ना बात, तुम्हारी मदद से हम कुछ नया कर सकते हैं. बहुत अच्छे, फिर तो हम एक साथ हैं. ये कैसा रहेगा, हम एक विशाल रैली निकालें, विद्यार्थी, टैक्सी ड्राइवर, सबको साथ लेकर? लेकिन क्या हमारी मदद कर सकते हैं आप? खैर, मेरा ध्यान तुम लोगों पे है, पर ये राजनीति है बॉयस, मेरा नाम इससे दूर रखो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो. ये एक शांतिपूर्ण रैली होगी जैसा महात्मा गांधी करते थे. आप जैनी के टच में रहो, वो आपकी जरूरत की चीजों का ख्याल रखेगी. जैन हाँ. इनको जो भी चाहिए आप इनकी मदद करें. ओके. और इस कमरे के बाहर कुछ ना जाए. ओके बिल्कुल. और बिल्कुल फोन लगाओ. ओके. समय देने के लिए धन्यवाद. बिल अच्छा है, उन इंडियन लड़कों को हमने अपने साथ कर लिया है, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, लगता है हमारा प्लान कामयाब होगा. थैंक्स, क्लब में मिलता हूं. क्या आप एक मिनट होल्ड करेंगे? धन्यवाद.
क्या मदद कर सकती हूँ? हाय, मेरा नाम मारिया क्रिश है, मैं द ट्रूथ से आई हूँ। ओके। मुझे जयदीप राजपूत का इंटरव्यू लेना है। वो कमरा नंबर 100 में है। ओके। और मैं ये भी जानना चाहती थी कि उन्हें यहाँ लेकर कौन आया था। ओके। उनकी इन्फॉर्मेशन अगर मैं चेक कर लेती हूँ, जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ मैं बताती हूँ। हेलो, मेरा नाम मारिया क्रिश है, आई एम अ जर्नलिस्ट विद द ट्रूथ। मुझे जयदीप से अचाक के बारे में बात करनी है। सुरेश चरणदीप, मैं जयदीप का फ्लैटमेट हूँ। ओके, उनकी तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर्स ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन हमें 4 हफ्ते और रुकना पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त के साथ जो हुआ वो बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग? हाँ, यहाँ स्टूडेंट सेफ नहीं है और पुलिस भी कुछ नहीं करती। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? लोग मर रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। हम वापस जा रहे हैं अपने देश इंडिया। हमारे माँ बाप बहुत घबराए हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हम इस रेसिस्ट कंट्री में रहें। सुनो, तुम प्लीज ये शब्द मत कहो। मैं मिल सकती हूँ? वो आराम कर रहा है, कोशिश कर लो। थैंक्स। हाय जयदीप, मेरा नाम मारिया क्रिश है, आई एम अ जर्नलिस्ट विद द ट्रूथ। मैंने बाहर सुरेश से बात कर ली है। कैसे हो तुम? पहले से काफी बेहतर। क्या अभी बात कर सकते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब आखिर क्यों? मैं? मेरे ही साथ क्यों? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, आई एम सॉरी। ये तो बिल्कुल क्लियर है जयदीप। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर लोग इन अटैक्स को बहुत डिस्टर्बिंग मानते हैं, और मेरा ये मानना है कि ये अटैक्स भेदभाव से मोटिवेटेड नहीं है। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या तुम खुद कभी ऐसे हिंसक रेसिस्ट सिचुएशन में फंसी हो? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि क्या हुआ था? तुम्हारी स्टोरी से दूसरी घटनाओं का सच सामने आ सकता है। तुम चाहो तो हम बाद में बात कर सकते हैं, मैं नर्स को बुलाऊं। पर मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम आराम से बात करते हैं। ट्रस्ट मी, इस इंसिडेंट से हम सब बहुत दुखी हैं। तो इससे मदद कैसे मिलेगी? वेल, हेडलाइंस चाहे जो भी कहें, पॉलिटिकल इशू बनाए या एक दूसरे पर उंगली उठाए, न्याय तो जरूर होगा। तुम पर अटैक करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। तो तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों आए थे? मैं यहाँ कुकरी सीखने आया था। तुम शेफ बनना चाहते हो? नहीं, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं यहाँ रहूं, और अगर आप कुकरी कोर्स में हो तो परमानेंट रेसिडेंसी आसानी से मिल जाती है। सच में? ये कैसी बेतुकी बात है। मैंने इंडिया में बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की है, पर वहां पे मैं एक बूंद हूं उस बीकॉम ग्रेजुएट्स के महासागर में। वहां हमारे लिए कोई काम नहीं है। हमारे जैसे ऊंची जातियों के लिए जॉब पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है अब तो। इंडिया में आरक्षित सीटें निचली जाति के लोगों को चली जाती हैं, या फिर को या दलित लोगों को। ये तो कास्ट सिस्टम है, राइट? तो ये आरक्षित सीटें क्या होती हैं? ये सारा भारतीय संविधान में लिखा है कि निचली जाति के लोगों को तय प्रतिशत सीट दिया जाएगा हर नौकरी में। ऐसा यूनिवर्सिटीज में और सरकारी नौकरियों में और मानो हर जगह होगा। इसलिए ऊंची जाति के लोग अक्सर अच्छे जॉब पाने से रह जाते हैं। कभी कभी तो इन जगह का कोई उपयोग ही नहीं होता, खाली रह जाती हैं। ये सब गलत है। मुझे ये सब नहीं पता था। तो ये लोग क्या ये सबसे नीची जाति के हैं? सबसे नीची जाति के लोग,
सबसे नीचे। तुम्हें एक चीज जान लेनी चाहिए, मेरी जैसी ऊंची जाति के लोग राजा हुआ करते हैं वहां पे। મોટા લોકો ફુરસત મળી ખરી ચેમ પિતાંબર મંગા મોટા છગન અરે હા બે કાંતિ સાહેબ ને તો ચેમ ભૂલાય અલ્યા આ માન મરતબો ભૂલી ગયા ચેમ સરપંચ પૂછો એમને લાકડા ચેમ ના ઉઘરાયા શાંત સના ભાઈ શાંત તો બડ્યું તમને આજની તો ખબર હશે ચેમ મોટા આત્મારામ ભૂલી ગયા એમાં અમે શું કરીએ પૂછો એમને અલ્યા માની લીધું કહીએ કહેવાનું ભૂલી ગયો પણ ભૈયા તમારે તો યાદ રાખવું તું આ માતાજીનું કામ છે લગ્ન માટે થોડા લાકડા માંગ્યા હતા થોડા લાકડા ઉઘરાયા હોત તો તમારું શું બગડી જાત આ તમને પૂરતો મળત અને મળતું આવ્યું છે બરાબર ને મંગા મોટા સરપંચ માતા દરેક નું હારું કરે અમારા બાપ દાદા ના વખત થી આ વેટ કરતા આયા છે લાકડા ઉઘાના અમારે લાડવા ખવાના તમારે કદી અમને અમારા છોકરાઓ ને પરહાદ હરખોય આપ્યો છો ખરો અરે પરહાદ તો શું પણ માતા ના દર્શન હુદા પણ કરવા દીધા નથી ને વળી પુણ્ય વાત કરો છો તમે સરપંચ તો એમ કોને કે પરહાદ નહીં મળતો કાકા અમે લાડવાની નહીં વેટની વાત કરીએ છીએ વેટની લાકડા ઉગાડવાને તમે વેટ કહો છો એ તો અમને બધી જ ખબર છે કે તમે બધા ગામ હામે ભેગા થઈ આંદોલન કરવાના છો તો પછી તમારા લોકો લાકડા કેમ નથી ઉઘરાવતા કાંતી મર્યાદામાં રે મર્યાદામાં અરે તમારા બાપ દાદા કેવું માન રાખતા એ તો એમાનું કશું નથી રાખતા ઉઘાડા માટે ફરવું એમના બૈડા ઉઘાડા માટે ફરે સાથે ઘડિયાળ પહેરે અને ગામ વચ્ચે પૂરપાટ સાયકલો દોડાવે મર્યાદાઓ જ ભૂલી ગયા હે તો અમે ક્યાં ના પાડી છે તમારા બૈડાઓને ઘડિયાળ પહેરવાની મંગા મોટા કહી દો કાંતિ ને કે મર્યાદા મારે ચાર ચોપડી ભણ્યા કે આટલી ચરબી છે પટલ મેં તો પહેલા જ કીધું તું કે વાત મળી ત્યારે જ ફેસલો કરી દેવા જેવો હતો ના 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 એ ભૂલી ગયા કે જૈડું બાંધવું પડતું તું જો રિવાજ હોત ને તો આટલા આવડી ચરબી ના કરત પટેલ એ દિવસો ગયા હવે ગયા આ તો સરકારી નોકરી છે ને માટે આવી વાતો કરો છો હમણાં મારા ખેતરમાં કામ કરતા હોત ને તો 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 શું કરી નાખત પટેલ જૂના જમાનાની વાત કરો માં જમાનો હવે બદલાઈ ગયો છે એ તો હારી માથાકૂટ છે ને તે તો તમારી જાતને સીધી ને સટ કરવી ને એ કઈ મોટી વાત નહીં એમાં વાર સી સરપંચ જો કહેતા હો ને હમણાં જ ઠેકાણે લાવી દઈએ અને હું તો છેલ્લા બે દાડા થી કઉ છું ના ના પટલ કાયદા બદલાઈ ગયા છે મુખી પણ આપણે નથી બદલાયા રહેવા દો પટેલ મુખી રહેવા દો આ એમના આંબેડકર અને ગાંધીજી એમને ચડાવી માર્યા હે આ એની જ તો મોકણ હે સાચી વાત છે સમય હવે બદલાઈ ગયો છે પણ તમે નથી બદલાયા પણ અમે તો હવે બદલાઈ ગયા છીએ એટલે કહેવા શું માંગે છે તમને હવે એ કેવું પડશે કે અમે વસવાયા નથી રહ્યા સવાયા છીએ સવાયા સવાયા અને તમે અમારા માટે ખજીના ઈ જ છો પટાલ આ ટોટિયાના ખાખડા ટોટિયામાં શોભે એને માથે મિલવાના ના હોય પણ હારા આપણા
નેતા માથે મૂકવાની વાત કરે એનું શું મુખી? મુખી સરપંચ એ પગ પણ કાપતા આવડે છે ને માથા પણ વધેરતા આવડે છે, તમે કહો ને એટલી જ વાર. નાના પટેલ, એ તો માતાજીનો હુકમ થાય ને એટલે બધું થાય, તમે ધીરજ રાખો. હા સરપંચ, શ્રીફળ હોમવાનો સમય થઈ ગયો, આપ પધારો. લ્યો, આ માતાજીનો હુકમ તો થઈ ગયો, હેલો મંદિરે હેલો. હા શ્રી વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગતાય નાગાનાય. ये मूर्ख समझते हैं कि ये हमें ललकार सकते हैं, जो होगा वो उसी लायक हैं। और उनके साथ क्या होने वाला है जयदीप, वो भी तुम्हारी तरह इंसान ही तो है। ये भी एक कारण है कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं। उन्होंने मीडिया से मेरी सिचुएशन के बारे में ऑलरेडी बोल दिया है। और तुम इस मामले में मीडिया कवरेज चाहते हो? अगर इन सब से कुछ हो सकता है तो हाँ, तुम्हारी तरह मैं भी चाहता हूँ कि लोग सच्चाई को जाने। सच्चाई? हाँ, मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगी। थैंक्स सो मच जयदीप। एक्चुअली क्या तुम उस आदमी को जानते हो जो तुम्हें यहाँ लेकर आया था? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? नहीं, कोई अजनबी था। पहले कुछ लात घूसों के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि वो मुझे यहाँ लेकर आया और फिर चला गया। क्या वो तुमसे मिलने आया? थैंक यू वेरी मच जयदीप, अपना समय देने के लिए। गेट वेल सून, टेक केयर। हाँ, अभी तक आपका फाइल नहीं आया। हाँ मैं बताती हूँ, आप एक मिनट होल्ड कीजिए। क्या आपको उस आदमी का नाम मिल गया? रुकिए। थैंक यू। हाय स्टीव। हाँ मैं बस आ ही रही हूँ। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। हाँ हाँ छोटा ही रखना। हाँ अंदर आ जाओ। ओके टेक केयर, बाय। मारिया क्रेश, तुम्हारी जॉब हाथ से जा सकती है, जानती हो? क्या तुम कभी ऑफिस टाइम पर आओगी और अपना काम करोगी? हाँ हाँ पता है, बस हो ही गया। लेकिन पर क्या मारिया, तुमने ही स्टोरी को कवर किया था और जहाँ तक मुझे याद है डेडलाइन भी तुमने ही दिया था। मुझे और रिसर्च करनी है स्टीव, मुझे इंडिया जाना है। मारिया ये बकवासी स्टोरी है, वो भी रेसिज्म के बारे में। हम हेडलाइंस छापेंगे, एक पुलिस वाले का इंटरव्यू छाप देंगे और कुछ बकवास डिटेल्स। 3 दिन और काम खत्म।
देखो तुम गोवा जाके छुट्टियां मनाने के बारे में सोचना Steve, छोड़ दो। ये सच सामने लाने का एक बहुत बढ़िया मौका है। ये इतना सिंपल नहीं है कि कुछ हेडलाइंस छापी और लेकिन क्यों? वो बच्चे जिनके पास काम नहीं होता वो नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये इंडियन मीडिया, स्टूडेंट्स और इंडियन टैक्सी ड्राइवर्स इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। आखिर वो क्या स्कीम है जो स्टूडेंट्स को यहाँ अट्रैक्ट कर रही है? मुझे वही अनकवर करना है। क्या तुम्हारे इंडिया जाने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, यही तो बात है, क्योंकि मुझे पता चला है कि इंडिया में आज भी जाति प्रथा है। इस स्टोरी से उसका क्या मतलब है? कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ने मुझे इसके बारे में बताया। स्टीव, मुझे पता है, पर मुझे और जानकारी चाहिए। कहते हैं उनको उनके साथ जो व्यवहार होता है वो जानवरों से भी बदतर है, पर मुझे पूरा सच जानना है। ये अजीब से कोसिस, इनके दलाल, इतनी बड़ी फेक इंडस्ट्री। अब तुम मुद्दे की बात कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तुमसे ज्यादा काम करता है। ठीक है, अपनी कहानी लिखो, सच को सामने लाओ, और ये काम जल्दी होना चाहिए। तुम्हारे पास एक वीक है इंडिया में, कहानी जोरदार होनी चाहिए। टिकट्स बुक हो चुके हैं। और सुनो, भगवान के लिए कांटेक्ट में रहना, अगर ये काम ठीक से नहीं हुआ तो तुम नई नौकरी ढूंढ लेना, समझे? संभाल लूंगी बॉस। आई, हाय मॉम। आप केक बना रही हो? अब मैंने केक बनाने बंद कर दिया है, कितने मोटे हो गए हैं तुम्हारे डैड। मॉम, ये पुरानी फोटोज अभी तक क्यों रखी हैं? ओहो, हमारे पास कितनी सारी नई फोटोज हैं। अपने डैड से बात करो, वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। कभी कभी तो मैं खुद पागल सी हो जाती हूँ। खैर छोड़ो, क्यों, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हाँ अच्छा है, बस आजकल थोड़ी परेशान हूँ। क्यों? The Indian students attacks? चोर, उचक्के, बदमाश, सबके सब। मुझे इस स्टोरी को अनकवर करना है, इसके लिए मैं इंडिया जा रही हूँ। इंडिया? माय गॉड। मॉम, जिस लड़के पर अटैक हुआ था ना, मैंने उससे बात की। वो खुद को ऊंची जाति का बताता है और के बारे में बात कर रहा था, और फिर कह रहा था ऑस्ट्रेलिया रेसिस्ट है। ये बहुत ही सैड और उलझा देने वाली बातें हैं, पर कोई मानता ही नहीं है। स्वागत है ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा। 200 साल लगे हमें माफी मांगने में यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों से। कुछ फायदा नहीं, माफी मांगने से कुछ नहीं बदला। पर हम इतने भी रेसिस्ट नहीं है, मतलब मैं किसी को नहीं जानती जो ऐसा सोचता हो या बिहेव करता हो। आप नहीं जान सकते कि कोई अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। मारिया, हम फिरंगी लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही ऊपर मानते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया गया कि हम दुनिया में सबसे बेहतर हैं। पर हम इस सब बकवास से ऊपर क्यों नहीं उठते? सही बात है, हमारे में सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। ईमानदारी सबके बस की बात नहीं है। ये बहुत ही आसान है, दूसरों पर आरोप लगाना, दूसरी जाति पर, दूसरे देश पर। मॉम, आप कब से इतना खुलकर बोलने लगी? वैसे सिर्फ हम ही नहीं है इतने डबल स्टैंडर्ड्स वाले। वो मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब बातों से। जब मैं तुम्हारे डैड से मिली, उनका वो बहुत ही बुरा समय था। उनको हमेशा यही सुनने को मिलता था कि वो करी खाने वाले एक स्मेली इंडियन है। सबको लगता था कि मैं पागल हूँ जो एक इंडियन से शादी की। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इन बेचारे स्टूडेंट्स के लिए। डैड के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। पर समय बदल रहा है मॉम। वैसे डैड है कहाँ? वो बाहर गए हैं। मुझे जाना पड़ेगा। जाना जरूरी है। सॉरी, स्टीव का फोन है। तू चिंता मत कर, इन सबको अपने मन में मत रखना। ओके। अभी बात खत्म नहीं हुई है, हम बाद में बात करेंगे। हे स्टीव, आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ, तुम्हें पता है मैं पिछले कुछ सप्ताह से व्यस्त था। उसको बोलो मैं अपने ऑफिस में हूँ, बाद में बात करता हूँ। आओ आओ भास्करन, सुना है पीड़ितों की मदद करने में व्यस्त हो, बड़े समाज से भी हो गए हो। कौन करेगा अपने लोगों की मदद? बॉयज, सुना है कोई रैली निकाल रहे हो, बताओ तुम इसके पीछे तो नहीं? भास्करन, तुम हमारी तरफ होते अगर तुम्हारे किसी साउथ इंडियन दोस्त पर अटैक हुआ होता तो। वक्त आ गया है एक्शन लेने का, नाउ और नेवर। और सुनो, हम तो सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इन गोरों के गुलाम नहीं है, ये तुम जानते हो। निकुंज, ये इंडिया नहीं है, हमें इन्हें सिखाना चाहिए, न कि भड़काना। ओके मिस्टर गांधी, जब ये हमारा कचूमर निकाल रहे होते हैं तब आपको लगता है कि ये हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं? कदापि नहीं। जब पुलिस अपराधियों को ढूंढ निकालेगी तब क्या? कब?
कब होगा ऐसा? जब हम आधे मर चुके होंगे? बेहतर ये होगा हमें अपना काम करने दो और तुम अपनी समाज सेवा करो। हमारा समय बर्बाद करने के लिए धन्यवाद। तुम सही हो, मुझे पता है मैं किस चीज के लिए लड़ रहा हूँ, और तुम दोनों, तुम्हें अपने ही स्वार्थ की पड़ी है। ऑल द बेस्ट। उसकी तो मैंने बजा डाली। वेस्ट ऑफ टाइम। When hundreds of Indian students rallied in Melbourne's CBD yesterday, it was supposed to have been a peaceful protest. The aim was to highlight the latest attack on one of their own, an Indian student fighting for his life. The rally certainly hit its mark. By this afternoon, politicians were clamoring to slam the spate of attacks on Indian students and keen to avoid damage to Australian and Indian diplomatic relations. In fact, the complaints of racial attacks have been pouring into federal and state governments for the past 12 months. But opinion is divided about whether all of the violence has been racially motivated. हाय, कैसी हो? मुझसे मिलने के लिए थैंक्स। या, कोई बात नहीं, कैसी हो तुम? हाँ, अच्छी हूँ। और तो? सब अच्छा है, मैं भी ठीक हूँ, और बस लैब का कुछ काम चल रहा है। तो हाँ, मैं एक्चुअली कुछ लाया था तुम्हारे लिए। ये कुछ बैकग्राउंड मटेरियल है, वो कास्ट सिस्टम पर तुम्हारी रिपोर्ट में काम आएगा, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद हो जाएगी। या, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो, सीरियसली, थैंक यू। नो वरीज एट ऑल। और इसमें कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं। ओह, ये तो बहुत काम का है। हाँ, नो थैंक्स। खुली हवा में घूमने की बात ही कुछ और है। तो अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारी जाति क्या है? मुझे क्यों एतराज होगा? राम राम। राम राम भाई, आओ आओ। मने पानी पाजो भाई, उभा रहीने ठाठियानी कड़ी थई गई। हाश घेड़ा हाचू कहता था के हाओ हुना ना ठाकुर, पण तुहारी पितनी आ प्रजानु कोई ठेकाणु नहीं। क्यारे दगो करे चेतारे उहारू। टोया भगत, हारी अपनी नाते अचकली नबिया हरी, जे वात नहीं थाय बीजी पला दसमना घेर रमती होय। बोलो भाई पीतांबर, आ दग क्यां लई जाऊं भाई? हाव हाची वात हो, आ लाकड़ानी वात गई साल मैं करी थी। आ हवड़े बे दाड़ा पहला लोटे जवा निकल्यो, त्यारे पहला मुखिया मने रोक्यो अने मने के, अले पीतांबर, आ तमे लोको गोम मा लाकड़ा नथी उगरावाना अने गोम हमें केस करवाना छो, लो बोलो। अरे भाई पीतांबर, आ तो धीरे थी पाज्या ना, तो यानी गन गामना नाक पहुंची जाए। ए तो ठीक, पण हवे शू करू? जे करवू ये पाका पाए करू भाई दाना। आनो एक उपाय छे, पोलिस केस।
આ અરજી એની જ લખી રહ્યો છું. પેલા રમણ પટેલ ઝેડું બાંધવાનું શું કહેતા હતા? ભાઈ શિવા, પહેલા તો આપણા પગલા અને આપણા પરછાયાથી આ લોકો અભડાતા હતા. હારું થયું વીર માયાનું કે જેમણે આ રિવાજ ને કાઢી નાખ્યો. ભાઈ ભાઈ, ઝેડા તો ગયા પણ આ લહેડા રહે એનું શું? ભાઈ કાંતિ, વાત તારી હાવ હાચી. તમે રહ્યા સરકારી નોકરી વાળા, બીજા મિલમાં કામ કરો, કોઈ ખેતી કરો, હું રાંડીબાઈ છોકરા છૈયા વાળી આ ઠાકુરોની મજૂરી કરીને દાડા કાઢવાના. જો તમે કઈ લાંબુ કરો તો અમારા જેવાનું શું? ભાઈ ડાઈ, આવું અને લોટ ફાકવો બે ના ચાલ, એક તો જતું કરવું પડે. દહી કાકી, અત્યારે તમે જરાય ચિંતા ના કરશો, એકબીજાની જવાબદારી આપણે બધા સાથે મળીને ઉઠાવી લઈશું. અને હા, એક સાથે રહીને જો લડત લડશું ને તો આપણી ઘણી બધી ઉપાધિઓ મટી જશે. હારું, તમે કોઈ ખરું, અમને તો તમારો આશરો. તો હવે બધા સહમત થાવ કે પોલીસ કેસ કરવો? હા ભાઈ, હા ભાઈ, હા. તો આવતીકાલે સવારે થાણે જઈને આપણે પોલીસ કેસ કરી દઈએ. બરાબર છે, બીજું તો શું, હારિયા ભલા તો ટળી જાય. તો આવતીકાલે હારો દાડો છે અને ઉજાણીનો દાડો છે, કરો કંકુના. હા, તો ભગવાનનું નામ લો, પછી તો ઉપરવાળાએ જે ધાર્યું હશે એ થશે. અને હા, તમને બધાને આજે મારે ઘેર ભજનનું વાયક છે, હો, બધા આવજો. કોઈ મારા ગયા થા? નહીં, લેકિન કઈયોં કો બહોત ગંભીર ચોટે આઈ. 60 કે દશક સે મેરે પિતા ઇન મુદ્દો પે લડ રહે હૈ. પોલીસ ઓર સરકાર કા ઇસ પર ક્યા રિસ્પોન્સ થા? રિસ્પોન્સ? પોલીસ ને સિર્ફ ઘૂસ લી ઓર જૈસે જૈસે આવાજ તેઝ હોને લગી સરકાર ને ઉસે અપને રાજનીતિક લાભો કે લિયે ઇસ્તેમાલ કિયા. સરકાર ને એક સ્પેશિયલ ડેલિગેશન ભેજા ટુંડેલ ઓર ઉન્હોને નિર્ણય લિયા કે વો બિલ પાસ કરેંગે. क्या था वो बिल? गुलामी और के विरुद्ध अत्याचार खत्म करने का बिल. क्या उससे कुछ बदला? कुछ खास बदलाव तो नहीं आया, लेकिन काफी पहले की बात है. हेलो. જી સાહેબ. હા જી સાહેબ. જી સાહેબ, બધો જ બંદોબસ્ત થઈ જશે. હા સાહેબ, તમે એની ચિંતા ના કરો. હા સાહેબ, હમણાં જ થઈ જશે. જી સાહેબ. હા જી સાહેબ. પઠાણ, ઓ પઠાણ, વાઘેલા બોલો સાહેબ. ટુંડેલ વાળાઓને હમણાં છોડતા નહીં, સરપંચને ઉઠાવી લાવો. કેમ સાહેબ,
આપે નહોતું કહ્યું કે ત્રણે જણે પકડી આપણે કેસ રફે દફે કરી નાખીશું? મામલો મુખ્યમંત્રી સુધી ગયો છે, પૈસાની વાત કરે તો હમણાં નહીં પાક્કા જામીન લેવા પડશે, અને જે બે ચાર જણા છટકી ગયા છે એમને પણ ઉઠાવી લાવો. જી સાહેબ. ભાઈઓ, બોનો અને આવેલા હોવ મહેમાનો, તમારા બધાનું સ્વાગત હે ટુડેલ ગામમાં. જે અમારા લોકોએ કર્યું એ ખોટું કર્યું, એ માટે હું તમારા હોવની માફી માગું છું અને ફરી આવું નહીં બોનો. પણ ઉભારો સરપંચ, પહેલા એ કબૂલ કરો કે તમે અમારા ઉપર હુમલો કરાયેલો કે નહીં? એક મહિના સુધી અમે ઘર ગામ બનાના રજવતા રહ્યા, બોલો એનું કોણ જવાબદાર? મંગળભાઈ, તમારા ઉપર કેવી વીતી છે એ બધાને ખબર છે. અમે ગુજરાત વિધાનસભામાં તમારી રજૂઆત કરી છે. મોટા બોન, તમે ને તમારી સરકારે ઘણું કર્યું અમારા માટે. ભાઈ, આ તો અત્યારે બકરી બે થઈ ગઈ છે, નહીં તો આ કેટલાય ને પાડી દેવાની વાતો કરતા હતા. મોટા બોન, મારા છગન ની બહુ ભારે પગે હતી, ને અડધી રાત્રે નાહું પડી દઉં બાપા. અમારા મેલ્લાને તો જાણે મહાન બનાવી દીધું, બોલે એનું શું? અરે છેલ્લા અમે એક મહિનાથી 15-25 જણ એક નાની ઓડીમાં રહ્યા છે. આ ગામમાં કે ઘરમાં પાછા આવું કચ્છ એમ એની આ જુદી હું જ નહીં પડી. શાંત ભાઈઓ શાંત, તમારી બધી જ વાત સાચી, કોઈ પણ દુઃખ કાયમના નથી રહેતા. હા સાહેબ, કોઈ પણ દુઃખ કાયમનું નથી હોતું, પણ આ લાકડાની વેચ, આ કાળ મૂકી આભળ છે, આ બધું કાયમનું છે, એ ક્યારે જશે? કાંતિ ની વાત સાચી છે, અમારા ખેતર માંથી અનાજ ચોરવું, અમારા ઘર માંથી વાહણો ચોરવા, અમારા બૈરા નાબરી પર હાથ નાખવો, તારા મોટા લોકો ને અભરછેદ ના નડે. ભાઈ, આ તો એમનો ધર્મ કહેવાય, આ આગેવાનો જશે એટલે એ જ મોય અને એ જ દંડો. હા બાપુજી, આ એ જ દેશ છે જે 9 દિવસ સુધી દેવી ભક્તિ કરે છે, પણ ઘરની કે બહારની સ્ત્રીઓની કોઈ જ કિંમત નથી. અને હા, આ એ જ દેશ છે જે પથ્થરોમાં ભગવાનને શોધે છે પણ જીવતા માણસથી અપડાય છે. આ કેવું, આ દેશ છે કે જંગલી જાનવરોનું ઝુંડ? ના સારદા, જાનવરો યાથી તો હારા, એ કારણ વગર કરડ નહીં, આ તો એનાથી જાય એવા છે. ભગવાન ના એમનાથી બચાવો બાપા. અને હા, હું ઘડિયાળ પહેરું છું નું એક જ કારણ છે કે હું સમયની સાથે છું અને સમયનું મને ભાન છે. એકબીજાને દોષ દેતા રહીશું તો આ સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં મળે. બોલો સરપંચ. મારા વણકર ભાઈઓની બધી વાત સાચી અને ગુનોય પણ કબૂલ, તમે જે શિક્ષા કરો એ સાચી, પણ હવે આનો કઈ ઉકેલ લાવો. મારા વણકર ભાઈઓ, જુઓ, જોડાનો ડંખ પહેરનારને ખબર પડે, પણ એ ડંખનો ઈલાજ કરવો પડશે ને. મોટા બેન, આ ડંખ કઈ નાનો સુનો નથી, અરે સદીઓ જૂનો આ ડંખ આખા સમાજમાં રક્તપિત્તના જેમ ફેલાઈ ગયો છે અને પેઢીઓની પેઢીઓ આ ડંખમાં હોમાઈ ગઈ છે, હોમાઈ. બરોબર ભાઈ, આપણે આજથી એનો ઈલાજ કરીશું અને તે પણ માતાજીના મંદિર આગળથી. ભાઈઓ, એ ભૂલશો નહીં કે પવિત્ર ભારત માતાની ધરતી પર કેટલાય મહાત્માઓ, સંતો અને ભગવાનો થઈ ગયા, પણ બધાનો એક જ સંદેશ છે, એકબીજા સાથે પ્રેમથી રહો. અરે સાહેબ, બધા મહાત્માઓ, સંતો ને ભગવાનો આયા ને ગયા, બોલો કોણે અમારું હારું કર્યું? આ તમારી માતાએ પણ અમને બચાવી ના હતી, તમારા સંતો મહાત્માઓ ને માતા મહાદેવ ફક્ત તમારા જ રહ્યા, તમારા તમારા જ રહ્યા. ભાઈ, તમારો મુદ્દો વ્યાજબી છે, પણ જુઓ, સંત રોહિદાસ, મહાત્મા ફૂલે, ગાંધી, આંબેડકર, જેમણે દલિત સમાજ માટે ઘણું મોટું યોગદાન આપ્યું છે. યોગદાન? પણ એ યોગદાન નું શું? ભારતમાં કેટલા બધા પછાત લોકો પર અત્યાચારો થાય છે, એનું શું એનું? ભાઈ, તમે તો ભણેલા છો તો વિચારો કે વેર થી વેર સમય ખરું. મોટા બેન, અમે લોકો વેર ઝેર ભૂલી જવા માંગીએ છીએ. શું કહો છો સરપંચ? મોટા બોન, તમે જે કહો એ કબૂલ. ભાઈઓ, મારા સમાજ અને ગામ વતી હું તમારી માફી માંગુ છું, તમે જે સજા કહેશો એ મને કબૂલ મંજૂર હે, મારું માથું ન તમારા જૂતા. અરે સરપંચ મોટા, આમ અમને શરમાવશો નહીં.
મારી દરેકને એક વિનંતી છે, બે સમાજ વચ્ચે જે ખાઈ પડી છે એ ખાઈ કાયમી ધોરણે પુરાઈ જાય એવી ગામ તરફથી ખાતરી મળે તો પૂરા દલિત સમાજને નિરાત. બોલો વડીલો, મંજૂર છે? હા હા, કેમ નહીં, અમે બાહેધરી પત્ર લખી આપીશું, એ જવાબદારી મારા માથે. આજ પછી ગામમાં આવો, બીજો કોઈ બનાવ નહીં બને. તો પછી માતાજીનું નામ લઈને કરો કંકુના. तुम्हारे पिता के कारण वो बदलाव आया. उन्होंने उनकी गलती मनवाई और ये भी कबूल करवाया कि इस प्रथा को बदलना होगा. पता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को सचमुच शांति चाहिए. यू नो, कितनी पावरफुल कहानी है गिरी. हाँ, काफी पावरफुल है. ये बहुत बड़ा दिन था हम दलितों और अछूतों के लिए. लेकिन लेकिन क्या? देखो, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए. कहानी अभी अधूरी है. देखो, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं मेरे लिए. ठीक है, फिर इस बार तुम्हें जाने देती हूँ. ठीक है, चलो ट्रैम ले लेते हैं. हाँ, वहाँ तक तुम्हारे साथ चलता हूँ. थैंक्स. मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा. एंड आई कांट वेट टू गेट इनटू दिस. हाँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए. आई होप अब तुम सब समझ गए होगे. तो इस सब में हम कहाँ हैं चीफ मिनिस्टर? किसी के लिए भी ये स्थिति ठीक नहीं, और ये इंडिया के साथ हमारा रिलेशन खराब कर रहा है. इंडियन रिलेशन? तुम अपनी चिंता करो पीटर, सिचुएशन हमारे काबू में है, कमिश्नर भी हमारे साथ है. और मीडिया तो कुछ और ही बोल रही है. देखो, चुनाव सामने ही है, लेकिन कुछ लेन देन करके हम इस पे साथ आ सकते हैं. मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं. सच बताओ, तुम क्या चाहते हो पीटर? 10 मील की दूरी तय करके यहाँ नहीं आते अगर तुम्हें कुछ चाहिए नहीं होता. प्रवासी मतदाता तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं, मुझे नहीं. कुछ मेरे इंडियन दोस्त बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होने वाला है, जैसा कि हमने रैली में देखा. ये तुम्हारी सरकार के लिए ठीक नहीं है. तुम्हें मेरी सरकार का कब से ख्याल होने लगा? तुम कुछ भी कर सकते हो मेरी कुर्सी पाने के लिए, पर मुझे कुछ और भी लग रहा है. मैं सरकार गिरा सकता हूँ अगर इंडियन स्टूडेंट्स का मामला यूं ही चलता रहा, जिसकी संभावना बहुत है. तो ये खेल है तुम्हारा? तुमने अपना वक्त बर्बाद किया यहाँ आकर. हमारी मंजिल संसद ही है, अगर तुम चाहो, वरना चीजें बदल सकती हैं. नहीं तो तुम अपनी कुर्सी मुझे खुद सौंपोगी बहुत ही जल्दी. तुम्हें खटमल के रूप में जन्म लेना होगा मेरी कुर्सी पाने के लिए. हमेशा की तरह मिलके खुशी हुई. बिल्कुल पीटर. Thank you.
इतनी रिसर्च कर लिया अब इंडियन कल्चर के बारे में? ये तो मेरा काम है। ये लो मेरा घर आ गया। तो तुम्हारे जो दोस्त जो कभी दिखाई नहीं देते, क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? मैं भी कितनी पागल हूँ है ना। पता है क्या, मैं चाहती हूँ तुम इनसे मिलो इस वीकेंड पर। हाँ बिल्कुल। गुड। और मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी हॉरिबल हो। तुम्हारी एक्चुअली बहुत अच्छी है। थैंक्स। गुड नाइट। बाय। ठीक है तो फिर मैं तुम्हें फोन करूंगी। हाँ, वीकेंड के बारे में। ऑलराइट। बाय। ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, तुम भी। थैंक्स। बाय बाय। तो मारिया, टॉल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, क्या वो आ रहा है? वो आ गया। प्लीज बिहेव। हे गिरी। हाय। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। गाइस ये Hello. है गिरी। हाय। ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं। हाय, आई एम केटी। हेलो दोस्त, मैं हूँ गिरी। हाय, मैं दी। गिरी। ये है बेन। हाय गिरी। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। बैठ जाओ प्लीज। तो गिरी, ये तुम्हारे नाम का शॉर्ट है? हाँ, शॉर्ट फॉर गिरिराज। गिरी आसान है बोलना। तो कैसे बोलते हो? गिरिराज। गिरी, गिरी, गिरिराज, गिरिराज। मुझे लगता है इंडियन कल्चर थोड़ा पेचीदा है, ये एक ट्रांजिशन से कम नहीं रहा होगा तुम्हारे लिए? एक्चुअली मुझे काफी कंफर्टेबल लगता है, पर मुझे ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता एक्सप्लोर करने का। तो तुम्हें ये जगह क्या खींच लाई गिरी, पढ़ाई या हमारी नौकरी? मैं मजाक कर रहा हूँ। That's okay. दरअसल मैं यहाँ किसी की जॉब नहीं लेने आया, मैं अपनी PhD कर रहा हूँ और 3 साल में पूरा करके फिर शायद मैं आपकी जॉब ले लूँ। कुछ ही सालों में ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा। अगर बात नहीं बनी तो ये किसी भी स्टोर पे जॉब कर लेगा। सफल वैज्ञानिक। वाह, इस बात पर तो वाइन की एक और बॉटल होनी चाहिए, अभी लाया। साउंड्स गुड, थैंक्स। तो तुम जीवन की सतह के नीचे की चीजों की खोज में व्यस्त रहते हो और मारिया जमीन के ऊपर की। क्या मारिया हर चीज बहुत डिटेल में देखती है, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत स्मार्ट है, मुझे मेरी रिपोर्ट में हेल्प कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स अटैक पर। मैं जितना सोच रही थी ये उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सी पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं। हमने कुछ एशियंस को काम दिया है हमारे बिल्डिंग साइट पर और आधे से ज्यादा तो इंग्लिश नहीं बोल पाते, बहुत दिक्कत है उनके लिए। हाँ, हम में से बहुतों को इसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ा मुद्दा है हम जैसों के लिए। एशियंस और इंडियंस बहुत मेहनती होते हैं और कम पैसों में काम कर लेते हैं, हमारे स्टैंडर्ड से उनको लूटा जा रहा है। बिल्कुल सही। ऑलराइट ऑलराइट, नई वाइन की बॉटल। वाइन पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक ग्लास पीने में तो कोई नुकसान नहीं है। वेल वेल, ये जाम नए दोस्त के नाम। जी बिल्कुल, थैंक यू। और साथ में पुराने दोस्त के लिए धन्यवाद। थैंक्स दोस्त। ये लो डार्लिंग। बेन, इंडियन स्टूडेंट टैक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक अपमान है। फाइनली किसी ने तो कहा। कम ऑन गाइस, चीयर्स करते हैं। ऑलराइट, हमारे मल्टीकल्चरल नेशन के नाम। चीयर्स गीजा। चीयर्स। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना एंजॉय करूंगा, पर मजा आया। आई एम ग्लैड। काफी दिलचस्प लोग हैं। शायद समय आ गया है कि अब मैं तुम्हें अपनी यहाँ की दुनिया दिखाऊं। मिस्टर मिस्टीरियस। तुम इसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कह सकती हो। तैयार हो? हाँ हाँ, ठीक है। तो चले, हम क्या कर रहे हैं? टैक्सी। हे स्ट्रेंजर। क्या चल रहा है अमित? हाय, ये मारिया। नाइस टू मीट यू, आई एम मारिया। कैसा है यार तू? गुड। मैं बस इसको ये जगह दिखाना चाहता था यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, इन सब से मिलो। Hi. ये राजन, Hi, राज, रवि। हाय, कैसे हो यार? ये दो लड़के नए नए अभी आए हैं। तो ये देखो, यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ, ये यहाँ मैं इस बिस्तर पे सोता था आधे हिस्से में,
दूसरे हिस्से में कोई और सोता था, वहाँ उस कोने में, और इधर यहाँ पे टेलीविजन होता था। कहाँ गया यार टीवी? उतना लग्जरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अब। हाँ, बात तो एक सेकंड रुको, तुम्हारे घर से कुछ चिट्ठियाँ आई। तुम यकीन नहीं करोगी, हम सब ने यहाँ बैठ के एक आशा साथ... करता हूँ तुम बिल रेगुलर भरते होंगे। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। हाय हाय, आई एम मारिया। हाय, मैं शीतल। नाइस टू मीट यू। मी टू। तो तुम यहाँ कब से रह रही हो? लगभग 6 महीने से। हाँ, तो सभी इसी कमरे में रहते हैं? हाँ, दो बाहर गए हैं। मतलब दो और लोग यहाँ रहते हैं? हाँ, दो और। मरिया, मैं बस वॉशरूम होके आया, 2 मिनट, क्या तुम्हें पकड़ सकती हो मेरे लिए? यार श्योर। क्या ये लेटर्स गिरी के घर से आए? हाँ, उसके घर से। वाओ। हाँ अमित, तुम्हारी बातचीत हुई? ना ना, मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जाने दो। देख यार, सब सो रहे हैं तो हम निकलते हैं। इट वाज नाइस मीटिंग यू। बाय बाय। चल मिलता हूँ, बाय। आते रहना, अपने ख्याल रखना। थैंक यू। चलो आपको भी बाद में मिलता हूँ, बाय। थैंक्स, सी यू मारिया, नाइस टू मीट यू। I'm sure इससे अच्छी जगह मिलती है रहने के लिए। हाँ, पर हम ऐसे ही रहते हैं यार। एक्चुअली यहाँ पे तो फिर भी कम लोग हैं, कई बार तो इससे भी ज्यादा 11-12 लोग रहते हैं। ये तो हद ही है। स्टूडेंट्स दुगने पैसे देकर वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ने आते हैं और इस तरह रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह। इट्स आउटरेजियस। मरिया देखो, सुनो मेरी बात। देखो मरिया, तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग पैसे और कैसे बचाएंगे? तुम्हें पता है बिल्स पे करने होते हैं, देखो रेंट देना होता है और साथ में फीस भी भरनी होती है, और इसके अलावा हमें अपने माँ बाप को भी घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं। तुम बताओ ये कैसे मुमकिन होगा? मजबूरन हमें यहाँ रहना पड़ता है। डैड, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अपनी आंखें बंद करो। ओके। अब घूम जाओ और आंखें खोलो। ओ, मेहमान आए हैं। हेलो आंटी, मैं गिरिराज। ओ आंटी जी, मार्गरेट बोलो। वो गलती होगी, इंडियन कल्चर। मुझे इंडियन कल्चर पसंद है। ये आपके लिए। ओ, मैंने अच्छा कहा था कुछ मत लेके आना। मुझे अच्छा लगा तुम लाए। आओ अंदर आओ, आराम से बैठ के बातें करते हैं। बहुत खुशी हुई तुम आए। तुम्हारा दिन कैसा रहा? नॉट बैड। तुम्हारे डैड भी बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। अच्छा? ओके। आराम से बैठो, तुम इसे अपना ही घर समझो। डैड आ गए। मारिया एक दोस्त को लाई है। हेलो सर, आई एम गिरिराज मंगल। Oh, Dad, ये RMIT में माइक्रोबायोलॉजी में PhD कर रहा है। तो गिरिराज, तुम इंडिया में कहाँ से हो? सर मैं गुजरात से हूँ। तुम मुझे सर मत बुलाओ। तुम मेरी बेटी से कहाँ मिले? ओह डैड, मैं गिरी से RMIT में मिली। जब बात वो भी बोल सकता है। मारिया, मुझे हेल्प करो। ओके। सर मैं मरिया से यूनिवर्सिटी में मिला और मैं तब से उनकी मदद कर रहा हूँ स्टूडेंट टैक्स पे रिपोर्ट तैयार करने में। आई सी। क्या तुम काम करते हो? परमानेंट रेसिडेंसी है? दरअसल मैं स्टूडेंट्स को बेसिक साइंसेस पढ़ाता हूँ, पर अभी मेरे पास PR नहीं है, मैं यहाँ 3 सालों से हूँ। कोई बात नहीं, 3 साल ही तो हुए हैं। तो तुम किस जाति से बिलोंग करते हो? ब्राह्मण नहीं ना? नहीं सर, दरअसल मैं बुनकर समाज से हूँ। पर जात कौन सी है? डैड, इसकी कास्ट जानना इतना मैटर क्यों करता है? ये एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान है और उतना ही काफी है। कोई बात नहीं मरिया, मुझे इन सवालों की आदत हो गई है। सर मैं पिछड़ी जाति का हूँ। मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ, तुम पारंपरिक तौर से पिछड़ी जात के हो, पर मैं नहीं हूँ। चाय। और तुम मेरी बेटी के साथ डेट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओ श्री, देखिए सर मैं आपका सम्मान करता हूँ। कीजिए,
मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं इंडिया जाकर ये अपनी आंखों से देखना चाहती थी और ये मेरे ही घर में मेरे सामने हो रहा है। आप यहाँ 30 सालों से हैं, 30 सालों से, और आप जरा भी नहीं बदले। पर लगाम रखो, बाप हूँ मैं तुम्हारा। जी इनफ, आई एम सो सॉरी, लगता है तुम्हारे पापा संस्कार भूल गए हैं। तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। थैंक यू सर। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हें हुआ क्या है। अभी भी ये जात पात, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पर। कम इन। हाय जेफरी। हाय गेरी, बैठ जाओ। गेरी, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। वो क्या? यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया गया है कि गुजरात में सरकार बदलने के कारण तुम्हारे स्कॉलरशिप की फंडिंग कैंसिल कर दी गई है। ओ, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? गिरी, दुख की बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी फंडिंग पहले से ही सारे तय हो चुके हैं, तो हम किसी और को नहीं दे सकते। क्या कुछ कर सकते हैं? गिरी, आई एम सॉरी, तुम एक होनहार स्टूडेंट रहे हो और हमें बायोकेमिकल फील्ड में तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और ये हम सब जानते हैं। देखो, शायद अभी भी कुछ हो सकता है, शायद मेरी कोशिश रहेगी कि हमारी किसी एसोसिएट कॉरपोरेशन से तुम्हारे लिए फंडिंग मिल जाए। लेकिन क्या? पर ये बहुत मुश्किल होगा और ज्यादा वक्त भी लग सकता है। तो सब खत्म? आई एम रियली सॉरी, अगर मैं कुछ कर पाऊं तो तू मुझे कॉल करने में हिचकिचाना मत। देखते हो क्या कर रहा हूँ। अरे यार क्या बकवास है ये, अभी तो काम कर रही है। ए, तू हमारे साथ पीने नहीं आया तो हम तेरे पास खुद ही चले। थोड़ी धीरे बात करो यार, अगर बॉस को पता चल गया तो मेरी छुट्टी। हम जानते हैं कि तू पीएचडी में विद्वान है, तुम बैक्टीरिया की सफाई कर रहे हो, तुम्हें जरूरत है बैक्टीरिया को मारने की, ये लो तुम्हें इसकी जरूरत है। देखो यार, निकलो इधर से, जाओ। ओके, देखो मेरे पास वक्त नहीं है, जाओ प्लीज। ठीक है, हम लोग जाते हैं। चल भाई, बाय। इसका ख्याल रखना। ठीक है भाई, चला जा। मैं तू बाद में मिलता हूँ। ओके।
क्या ये लेटर्स गिरी के घर से आए? हाँ, उसके घर से। साथ में फीस भी भरनी होती है। हेलो गिरी, तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, है ना? वो तो आखिरी चीज है जो मैं हूं। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारी झूठी बातों में आ गई। कब तक तुम मुझसे ये छुपा कर रखने वाले थे? कभी बताने वाले थे भी या नहीं? गिरिराज वणकर, मेरी तरफ देखो। वणकर, वणकर, मेरी आंखों में देखो। कायर बनना बंद करो। मैं कायर नहीं हूँ, समझी? I'm sorry, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था। देखो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। देखो मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैं सिर्फ चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। जस्ट टेल मी। पहले तुम बैठ जाओ ना प्लीज। देखो उस रात मैं ट्यूशन देने के बाद लास्ट ट्रेन लेकर घर जा रहा था। वो स्टेशन पर था, बुरी तरह से जख्मी, जमीन पर गिरा हुआ, तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। ये मेरा फर्ज था कि एक इंसान के नाते मैं उसकी हेल्प करूं। उसी इंसानियत के नाते तुम्हारा फर्ज नहीं था कि तुम उससे मिलो और ये पता करो कि वो ठीक है? वहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेज, टीवी रिपोर्टर्स सब थे, तो मैंने सोचा कि पर तुम उस झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे। कुछ नहीं बदलेगा मेरे कहने या करने से। तुमने कभी सोचा कि इंडियंस को ही टारगेट क्यों किया जाता है? मुझे नहीं पता मारिया, मैं इस भेदभाव से दूर रहना चाहता हूँ। पहले से ही बहुत देख चुका हूँ। इंडिया में लोग हर रोज मरते हैं, क्या तुम्हारी मीडिया उनकी स्टोरी छापती है? नहीं। क्या लोगों को फिक्र है कोई? बिल्कुल नहीं। जयदीप जैसो पर एक अटैक हुआ और अचानक ब्रेकिंग न्यूज बन गई। क्यों? उससे तुम्हें क्या है? मैं सिर्फ समझना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि सारे ऑस्ट्रेलियंस रेसिस्ट हैं। अब तो और भी नहीं मानती। इग्नोरेंट हो सकता है, पर जैसा मीडिया दिखा रही है वैसा नहीं है। तुम्हारी तरह मैं भी वहाँ मीडिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो कहे कि ऑस्ट्रेलिया एक रेसिस्ट देश है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल डेमोक्रेसी, वेस्ट के लिए इंडिया एक स्पिरिचुअल देश है, उनके लिए इंडिया सिर्फ बॉलीवुड, बटर चिकन और स्पिरिचुअलिटी है बस। ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना मारिया, लेकिन ये सब बकवास है। तुम सचमुच अपने देश के बारे में ऐसा सोचते हो? कितनी नफरत है तुम में गिरी। जैसा है बस वैसा बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया एक रेसिस्ट कंट्री। और ये आज से नहीं, पिछली कई सदियों से चलता आ रहा है और ये तुम्हारी समझ से बाहर है। पर क्यों, क्यों गिरी? तुम जानना चाहती हो कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? अपने ही देश के लोगों को बोलना, उनकी हत्या करना, घर बर्बाद कर देना, और कोई चूँ तक नहीं करता। जयदीप भी ऐसा ही कुछ कह रहा था। कौन? जयदीप राजपूत, जिसे तुमने बचाया था।
क्यों ना हम उसे जाकर मिले। जयदीप राजपूत, ये तो मेरे ही राज्य से है। Well, तुम दोनों में कुछ तो कॉमन है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उससे मिलना चाहिए? वो ऊंची जाति का है, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हुआ वो ऊंची जाति का है, ये मेलबर्न है गिरी, इंडिया नहीं है। कास्ट सिस्टम यहाँ नहीं चलता। चौंक जाओगी तुम, जगहें भले बदल जाए पर सोच नहीं। सुनो, तुम इस सबसे नहीं भाग सकते, आज ही चल के जयदीप से मिलते हैं। पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। एक ऐसी झूठी प्रथा को सच मानते हुए जी रहे हो जो इंसानियत को शर्मिंदा कर रही है, और पता है ये तुम और तुम्हारे पिता के संघर्षों का अपमान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है मेरे संघर्षों का। कैसे कैसे तुमने मेरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया? तुम्हारे पिता इस सिचुएशन में क्या करते? तुम्हारी तरह बैठे रहते या फिर साहस जुटाकर एक बदलाव लाने की कोशिश करते? मुझे नहीं पता तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है। सच कहूं तो तुमसे मिलना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आखिर दिखा दिया ना अपना असली रंग। मुझे लगता था तुम ही हो जिससे मैं रिलेट कर सकती हूँ, जिससे हार्ट ब्रेक और हिस्ट्री दोनों शेयर कर सकती हूँ, पर तुम बाकियों के जैसे ही निकले। जिस रेसिस्ट ऑस्ट्रेलिया की तुम बात करते हो, वो ऊंची जाति वाले जिनसे तुम डरते हो, उनसे आंख नहीं मिला सकते। आखिर तुम क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हें दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। क्या तुम देख नहीं सकते? कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है गिरी। पर तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टेबल दो लोगों के लिए। आइए प्लीज, आइए। मैं आप थैंक्स यहाँ बैठिए। थैंक यू, इट्स ब्यूटीफुल। पानी लोगे? हाँ जरूर, धन्यवाद। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आती? देखो कल के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। इट्स फाइन, आई एम सॉरी टू। आने के लिए शुक्रिया, बहुत मायने रखता मेरे लिए। Of course. Menu, sir. Oh, thank you. Thanks. It's beautiful. तुम जानते हो यहाँ सबसे अच्छा क्या है? देखो, तुम्हें पता है ना, हम कुछ दिनों तक ये नहीं कर सकेंगे क्योंकि मेरे को एक और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मॉम से मैंने फीस की बात की, वो तुम्हें पसंद करती हैं, चाहती हैं तुम्हें एक मौका मिले, वो बंदोबस्त करेंगी। मरिया देखो, मैं नहीं ले सकता, ये तो तुम्हारे फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैं तुम्हें पैसे कैसे वापस करूँगा? रास्ते में मत आने दो, तुम वो करो
जिसमें तुम्हारी काबिलियत है। देखो मैं कोई और नौकरी ले लूंगा, मैं सफाई कर लूंगा या बच्चों को पढ़ा दूंगा। अपनी PhD पर फोकस करो, उसे पूरा करो। ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, देखो ये हर उस बच्चे की बात है जो हर गली कूचे में स्ट्रगल कर रहा है। सुनो, डॉक्टर अंबेडकर, राइट, वो भी थे हम में से एक। उन्होंने कहा था पढ़ो और जागृत बनो। उन्हें जगाओ गिरी, सबको जगाओ। ओके, मुझे तुम पर विश्वास है और मेरी मॉम को भी। डॉक्टर गिरिराज वणकर, प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, टुंडेल गांव का एक कमॉन। सोचो उन बच्चों के बारे में जो हर सुबह उठते हैं और उन्हें सुनना पड़ता है ये शब्द। उनके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, समझे? ये मौका हाथ से मत जाने दो, तुम कर सकते हो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है। तुम्हारे माँ बाप भी। तुम उसकी चिंता मत करो। जब तुम एक सफल साइंटिस्ट बन जाओगे और दुनिया बदल रहे होगे, तब अपने जैसे किसी होनहार और गिफ्टेड स्टूडेंट की फीस भर देना। और हाँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम हो ही इतने अच्छे कि सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। Excuse me. तुम यहीं वेट करो, मैं बस एक मिनट में आई। ओके, हाय जयदीप, कैसा फील कर रहे हो? हॉस्पिटल में हूँ तो कैसा रहूँगा? सुनो, मैं जानती हूँ ये थोड़ा सेंसिटिव है, पर ये अटैक वाली रात के बारे में है, जिस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तुम उससे मिलना चाहोगे? क्यों नहीं, उसे तुम जानती हो? हाँ, एक मिनट रुको, वो तुमसे मिलना चाहता है। अभी? मदद करने के लिए धन्यवाद भाई। ओह, कोई बात नहीं, लेटर हो, उसके बारे में मत सोचो। अभी कैसे हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? गिरिराज। गिरिराज? गिरिराज। सॉरी, उस दिन जाना पड़ा छोड़ के, और कोई रास्ता नहीं था। जय, मुझे लगता है तुम्हें गिरी के बारे में कुछ जानना चाहिए। मरिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ? मरिया प्लीज देखो, कि जिस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई है, कोई जरूरत नहीं मरिया, उसे तुम लोग और तुम्हारा समाज बुलाता है। क्या हुआ जय? क्या बेहूद हरकत है, हमारा समाज मानता है निचली जाति वाले लोग हमें छू नहीं सकते, वरना हम आएंगे। कम ऑन जय, अभी एक सेकंड पहले तुमने इसका हाथ थामा हुआ था, इसने तुम्हारी जान बचाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अभी दो मिनट पहले तुमने इसे भाई बुलाया था। कम ऑन, ये वही आदमी है, इस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम दोनों कुछ तो कहो, क्या बुरा है इसमें? ये ऑस्ट्रेलिया है जय, यहाँ ये सब नहीं चलता। क्या ये तुम्हारे पिता? जय, तुम में भी वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? इसकी आंखों में भी खून दौड़ रहा है। तुम ये सब क्या कह रहे हो? टुंडेल गांव याद है तुम्हें? मंगल वानकर, कांति वानकर, तुम सब लोग मरने के ही लायक हो। मरने के लायक? रुको, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या
इनके लोगों ने हमारे लोगों पर रात के अंधेरे में हमला किया था। तुमने मुझे बचाया ही क्यों? जय, कम ऑन, ये पागलपन है। इस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई है। बस बहुत हो गया बकवास। और तुम ये मत भूलो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जय प्लीज, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो इधर। ये आदमी तुमसे अलग नहीं है मरिया, और चलो, ना ही ये मुझसे अलग है और ना ही उस डॉक्टर से, उस क्लीनर या नर्स से जो रोज आकर तुम्हें खाना खिलाती है। कम ऑन जय, हम सब एक समान है। ओके मरिया, ये लोग इंसानियत का मोल नहीं समझ पाएंगे। चलो मेरी बात चलो सुनो, इधर से। इक्वालिटी जय प्लीज। मरिया नहीं नहीं नहीं, जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया तुम उनसे अलग कैसे हुए? तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। प्लीज प्लीज गिरी रुक जाओ, तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम्हें ही आगे बढ़कर बदलाव लाना होगा, तुम्हें आगे बढ़कर बोलना होगा बहुत हो गया, ये सब बंद करो, समझे? हम सब इंसान है, इंसानियत की कद्र करो प्लीज जय प्लीज प्लीज। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, कम ऑन प्लीज। तुम गलती कर रहे हो जय, बहुत बड़ी गलती। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो खुद की नजरों में गिर जाओगे, अपने देश का नाम खराब करोगे जैसा औरों ने किया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है माय लव। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मारिया, डैड कहाँ हो तुम? डैड अगर आपने वही सब कहने के लिए फोन किया है तो फिर रहने दीजिए। मुझे माफ कर दो, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। गिरिराज एक अच्छा लड़का है,
मुझे अपनी पुरानी दकियानुसी सोच को पहले ही बदल देना चाहिए था। मारिया, मारिया तुम सुन रही हो? डैड, क्या? आई लव यू बेटा। तुम रो मत, वो सब मेरी गलती है। उसे वापस लेकर आओ, मुझे माफी मांगनी है। थैंक यू। क्या तुम अभी भी नाराज हो? कम ऑन डैड, मैं आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। ये हुई ना बात। मुझे अब जाना होगा डैड, आज मैं गिरी के लिए डिनर बना रही हूँ। देखना इतनी मिर्ची मत डालना कि उसका मुंह ही जल जाए। अच्छा मजाक था, मैं बाद में बात करती हूँ। Okay. I love you. I love you too. Well? बहुत अच्छा था। I bet तुम्हारी मॉम जितना अच्छा तो नहीं था। वो तो सच है, ऐसा कुछ भी नहीं। अपनी ही धुन में मगन एक PhD स्टूडेंट आपको धक्का मार कर गिरा दे, उससे तो अच्छा ही होगा। पर ये पूरी तरह सच नहीं है मैडम। लेकिन मानना पड़ेगा, ये काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। देखो हमारे बीच क्या हुआ। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। क्यों, अब क्या बाकी है? ऐसा एक्सपेरिमेंट ही क्या जिसका सैटिस्फैक्टरी आउटकम ना निकले? बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं इंडिया ट्रिप के बारे में श्योर नहीं हूँ। मैंने जो बोला उसकी वजह से? हाँ शायद, पर तुमने जो कहा मैं उसके बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हारी कहानी लिखना चाहती हूँ। देखो बस मेरी राय थी वो, मुझे पता है कि इंडियन सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे तुम्हें यहाँ के सिस्टम के बारे में पता है। मे बी उससे तुम्हारी हिस्ट्री को सामने ला सके, लोगों को समझा सके। खैर घर पर सब कैसे हैं? काम થઈ ગયું હે સરપંચ, આત્મહત્યાનો કેસ બનાવડાયો હે આ ઇન્સ્પેક્ટર ને રૂપિયા આપી દેસ તો આ જાડે જો હે ને આપણો હે બિયા મને કે હારા કામના રૂપિયા ના લેવાય મારો બેટો કે અડધા આપજો અને હા સરપંચ હવે આ જ રસ્તો છે આ ફાટેલા ठेकाने करवानो। हाचू बोल्यो, जो तमे कोई चिंता करशो नहीं,
બરોબર અહીંયા જ બેહો દરબાર હવે બીજો કોનો વારો હે અલ્યા એ મારે કેવું પડે આ રમણ પટેલ પાસે બધા નામ હે આ છ મહિના પછી બીજી ઉજાણી હમણાં કહુંબો રાખ્યો હે તમે આવજો પાછા અને પટેલ નો મુખી હોતું આવે બસ એક કે બાદ એક સબ ગાયબ હોને લગે किसी को पता नहीं चला क्या वो कुछ नहीं कर सकते क्या करेंगे इन केसेस में खुद साबित नहीं होता I'm so sorry. देखो अब समझ में आई बात कि मैं उन लोगों से अग्री नहीं करता जो चलाते कि ऑस्ट्रेलिया एक रेसिस्ट देश है Thank you.
परेशानी में डाल सकती है। पर ये एक प्यारा सा नशा है। क्यों इतनी तारीफ कर रही हो? क्या बात कर रहा है? ठीक है, तुम्हारी टाइमिंग एकदम गजब है। पता है राम कहाँ है? ठीक है, पहुंचता हूं 20 मिनट में। बाय। या हाँ, मिलता हूं। क्या हुआ? क्या बताऊं, क्या करूं अब? मेरे दोस्त की चाबी गुम गई है घर की। अब जाना पड़ेगा उसको चाबी देने। I'm sorry। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं भी अपने दोस्तों के लिए यही करती। You know, तुम और मैं, we're good together. गाइस, ड्रग्स खत्म हो गए। ओह नो, अब क्या करें? इसकी तो, तेरे पास पैसे हैं? पैसे? क्या कहा, 50 रुपए? लेकिन इससे क्या होगा? अब क्या करें? अरे कोई तो जवाब दो। हाँ, मुझे भी चाहिए। देखो वहाँ पे कोई बूटा जा रहा है। ए, रुक रुक, साइड में खड़ी कर, उस बूटे के पास चल चल चल। मुझे लगता है उसके पास पैसे जरूर होंगे। हाँ यहाँ रुक दे, थोड़ा सा आगे। अभी इस बूटे से पैसे लेते हैं। चलो इसी को लपेटते हैं। अबे रोकना, रोकना, क्या कर रहा है? रुक, रुकना, अभी मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, रोकना। इस बूटे की तो मैं, कहाँ है पैसे? पैसे निकाल। कहाँ पैसे? पैसे निकाल। मेरे पास पैसा नहीं है। चुपचाप पैसे दे दे। नहीं तो मेरे पास पैसा नहीं है। मर, चल चल चल, जल्दी चल, उस बुड्ढे के पास पैसे नहीं है। हमें और माल चाहिए, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ करो। हाँ, चलता रहे, तू चलाता रहे, किसी और को ढूंढते हैं। हाँ, किसी और को ढूंढते हैं। हाँ, वो देख, एक और मिला, साइड में रुक। ए चश्मीश, वहीं रुक, पैसे निकाल। देखो चुपचाप पैसे निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं है, निकाल। तेरे पर्स में तो पैसे होने ही चाहिए। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो इस भिखारी के पास पैसे नहीं है। इसकी चलो, तो के पास तू बीच में मत पड़। इसको तो मैं देखता हूँ। मेरे पास यही है। मुझे बता, तूने पैसे कहाँ छुपा के रखे? बता मुझे। देखो मुझे मेरी सैलरी नेक्स्ट वीक, बता मुझे, नेक्स्ट वीक मिल जाएगी, अभी नहीं है मेरे पास। अरे चल, छोड़ना उसको, क्या बेवकूफी कर रहा है। फोन निकाल। आजकल के जमाने में ऐसा फोन कौन यूज करता है? सच में लुईस, निकलो यहाँ से। मैंने तुझे कितनी बार कहा है बीच में मत बोल। लुईस, अगर तू वापस नहीं आया तो मैं तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या?
ये बेवकूफ मेरी रात खराब कर रहा है। देखो प्लीज मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मेरे पास जो था मैंने सब दे दिया। चलो यहाँ से। देख पैसे कहाँ है जल्दी बता दे, मेरा दिमाग बहुत खराब है। जल्दी से बता दे, मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ समझा, मैं तुझसे दोबारा नहीं पूछूंगा। एक मौका, मैंने तुम्हें सच ही बताया, मेरे पास और कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तू बात समझता है? तू मेरा दिमाग ना खराब बताओ। चलो रुक, क्या किया तूने? मैंने क्या किया? निकल यहाँ से। चलो चलो यहाँ से जल्दी। तू हट यहाँ से। हे लेटा क्यों, उठ ना। ओके देख मजाक मत कर जल्दी। चलो लुइस वापस आ। हिल नहीं रहा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तू उठ जा, उठ जा। देख यार जल्दी से उठ जा। खैली तुम चलो, जल्दी से उठ जा यार। कम ऑन लुइस, चलो। तुम कार में बैठो जल्दी। उठ जा यार, हम निकलते हैं यहाँ से। उठ जा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ। अरे मुझे छोड़ के मत जाओ यार। चलो चलो। हेलो मारिया, जयदीप बोल रहा हूँ। हाय जयदीप, क्या बात है जय? तुम पहले कहीं बैठ जाओ और अपने आप को संभालो, गिरिराज पे कल रात अटैक हुआ। तुम मजाक कर रहे हो, दिस इज नॉट फनी जय। अब वो हमारे साथ नहीं रहा। Thank you.
This is Emma Monk with the news. Making news today, Peter McCallum was elected as the new Premier of State for Victoria. Jason. His main agenda is maintaining and progressing on the multicultural affairs. Also, the student union leader, Nikum Sharma, was appointed as multicultural advisor for Victoria. In other news, the MCG has seen crowd-breaking numbers as fans flocked to see Geelong take on Hawthorn in the AFL Grand Final. In the weather today, we are set to have isolated showers with tops of 22 degrees. Be careful, darling. ये पापा की कहानी है. All right.
बिताऊं।